अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एटीवी। फाइनली आज ओप्पो की तरफ से कोई एक्साइटिंग किस्म की डिवाइस आ गई है। और जब हम एक्साइटिंग की बात करते हैं तो ओप्पो की पाकिस्तानी मार्केट में जो सबसे एक्साइटिंग सीरीज रहती है वो ओप्पो की एफ सीरीज है। और इस बॉक्स को भी आप देखकर आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये ओप्पो की एफ सीरीज ही का बॉक्स है। चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। अगर आप व्लॉगर हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए है। इसके फ्रंट कैमरा से वीडियोस बनाने के लिए EIS की फैसिलिटी भी दी गई है, यानी कि इसके फ्रंट कैमरा से बनाई गई वीडियोस भी काफ़ी स्टेबल होंगी। ये मोबाइल फ़ोन ओप्पो F19 Pro जो F सीरीज का सबसे लेटेस्ट वर्जन होने वाला है पाकिस्तानी मार्केट में, यानी कि 2021 में। पाकिस्तान से तमाम मोबाइल फ़ोन खरीदते वक्त आपने PTA की अप्रूवल की स्टैम्प ज़रूर नोट करनी है। इसके अलावा आपको ये हम बताना पसंद करेंगे कि ओप्पो की जितनी भी एफ सीरीज़ हैं ये 50,000 की रेंज में आती हैं। इस फ़ोन की वारंटी डिटेल्स इसके बैक साइड पर पेस्टेड हैं। ये फ़ोन और इसके अलावा और भी पाकिस्तान के बेहतरीन ब्रांड्स के फ़ोन आप ATV पे जीत सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपल ATV की यूट्यूब की वीडियोज़ को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और ATV के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस के पोस्ट्स को अपने पेजेस पे आपने शेयर करना है। डिटेल्स के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हम तमाम डिटेल्स अपने पेजेस पर भेजते रहेंगे। यकीन करिए, हम अपने स्टूडियोज़ में बहुत से ब्रांड्स को अनबॉक्स करते हैं, लेकिन इसको अनबॉक्स करते वक्त हमें काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आ रही है। इसका बॉक्स भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का है। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि ओप्पो का जो ये बॉक्स है वो पाकिस्तानी मार्केट के लिए थोड़ा डिफरेंट है अगर आप इसको इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं। इसकी वजह ये है, जो पाकिस्तानी मार्केट में F19 Pro लॉन्च हुआ है वो इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा बेटर है। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है ये बुकलेट, और इसके अंदर मौजूद है आपकी सिम इंजेक्शन पिन, और इसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क। अब जब ओप्पो की डिवाइसेस यूजुअली ऑन करते हैं तो आपकी ई वारंटी के तौर पर भी एक्टिवेशन हो जाती है। पेपर वर्क को आप संभाल के रख सकते हैं, लेकिन अब इसका यूज़ इतना नहीं होता जैसा पहले हुआ करता था। पहले वारंटी कार्ड पर डेट्स वगैरह भी हुआ करती थी, लेकिन अब आपका जब फोन स्टार्ट होता है तभी ये सिनेरियो होता है। जी, केस यहाँ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो आप देख सकते हैं कैमरा सेटअप है, लेकिन इसके कैमरा सेटअप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन दी गई है। तो जिस तरह फ्रंट साइड के ऊपर स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो साइड्स हैं वो थोड़ी ऊपर आती हैं, इसी तरह अगर आपको इसको बैक साइड पर रखते हैं तो आपका कैमरा जो है वो ज़मीन के साथ टच नहीं होगा। इसकी वजह से कैमरे पर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। तो कैमरा बाद में भी जब आप लेट से यूज़ करते हैं तो इसकी क्वालिटी वही रहेगी जो फर्स्ट डे थी। फ़ोन अब हम बाहर निकाल चुके हैं, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें इस बॉक्स में और क्या क्या रिसीव हुआ है। इस मोबाइल फ़ोन के बोके इफेक्ट भी फ्रंट कैमरा में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ फिल्टर्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट और बैक साइड के कैमराज के रिजल्ट्स ऑसम हैं। इस फ़ोन में आप बैकग्राउंड को ब्लर करके अपनी वीडियोस कंटिन्यू कर सकते हैं। जो चार्जर हमें मिला है वो 30 वॉट का ओप्पो का पावर ब्रिक है। काफ़ी बड़े साइज़ की पावर ब्रिक है। ये जो पावर ब्रिक है ये 30 वॉट के ऊपर आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज करेगी। ये ओप्पो की वूफ फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कुछ टाइम पहले तक ये जो वूफ फ्लैश चार्ज है वो ओप्पो सेंट्रिक डिवाइस ही को सपोर्ट करती थी, लेकिन अब ओप्पो इसको दूसरी कंपनीज को भी लाइसेंस कर रहा है। तो अब फ्यूचर के अंदर आपका सपोजिटली ये जो वूफ चार्जर है ना सिर्फ आपके ओप्पो फ़ोन को बल्कि आपकी दूसरी डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकेगा। फर्दर इन द बॉक्स हमें रिसीव हुए हेडफोन्स। ये हेडफोन्स या हैंड फ्री पॉड डिज़ाइन के अंदर आती है, और इस तरह की हैंड फ्री हम ओप्पो की दूसरी डिवाइसेस में भी पहले से देख चुके हैं। फाइनली हमें बॉक्स खाली नज़र आ रहा है, और अब दिल थाम के रखिए क्योंकि अब बारी है उस डिवाइस को रिवील करने की। कुछ मुल्कों में ये डिवाइस ओप्पो रीनो 5F के नाम से लॉन्च हो रही है, जिसका मतलब ये है कि ये टॉप एंड डिवाइस है और ये कुछ एरियाज में रीनो सीरीज के अंदर भी जा रही है, लेकिन यहाँ पर इसको ओप्पो F19 Pro के नाम से लॉन्च किया गया है। जो वेरिएंट हमारे स्टूडियो में भेजा गया है वो 8GB रैम
और 128 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। आप यकीन करें, इस मोबाइल फ़ोन को होल्ड करने से बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आ रही है। और यहाँ पर जो इस मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा हाईलाइट ओप्पो बता रही है वो इसके कैमरा फीचर्स होने वाले हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर मीडिया टेक का P95 चिपसेट लगाया गया है। चलिए, अब हमने मोबाइल फ़ोन को टर्न ऑन कर लिया है। इस मोबाइल फ़ोन को सेटअप करना नहायत ईजी है। इन द मीन वाइल हम आपको इसके बेसिक स्पेक्स और इसकी हाईलाइट साथ साथ बताते जाते हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चिपसेट लगाया गया है, इससे पहले ओप्पो वो सिर्फ अपने रीनो सीरीज के अंदर लेके आया करती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं इस मोबाइल फ़ोन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा होने वाला है। ओके, फाइनली ये जो डिवाइस है वो टर्न ऑन हो चुकी है। और यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 11 है, जो इस पॉइंट पर ओप्पो का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो आप यूजली मोबाइल फ़ोन से एक्सपेक्ट नहीं करते। इस मोबाइल फ़ोन में एक और चीज़ जो इस मोबाइल फ़ोन की एक बड़ी हाईलाइट है वो इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसके अलावा आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको जो इस मोबाइल फ़ोन में फ्रंट कैमरा दिखाई दे रहा है वो 32 मेगापिक्सल का है और ये एक पंच होल के अंदर अवेलेबल है। और जब आप इसकी बैक साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। क्वाड कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, फ्लैश भी अवेलेबल है, नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट है और आपका हेडफोन जैक भी अवेलेबल है। इस फोन में 2 सिम्स और 1 अदद मेमोरी कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर 4300mAh की दी गई है, जो मेरे हिसाब से थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन ये फोन काफ़ी पतला बनाया गया है। ओप्पो का हमेशा से यही होता है कि इनकी डिवाइसें यूजली भारी ना हो और स्लीक लगे। इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा की अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो वो बेहतरीन है। इनके फ्रंट पे भी जो कैमरा दिखाया गया है, इसके अंदर तमाम वो फीचर्स अवेलेबल हैं जो आप एक बैक साइड के कैमरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस मोबाइल फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए रेजोल्यूशन अप टू 4K है। इसके अंदर मैक्रो और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास का भी यूज किया गया है। इस मोबाइल फोन का अल्ट्रा वाइड एंगल काफी वाइड है क्योंकि इस मोबाइल फोन में AI की एनहांसमेंट की गई है, तो आप इजीली AI के थ्रू इसके अंदर वीडियोस बनाते वक्त एनहांसमेंट कर सकते हैं। सो कैमरा वाली साइड से और डिजाइन वाली साइड से ये वाला फोन हाईली रिकमेंड है। मजीद किसी किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सायनारा।